नई तकनीक जो है उससे अब पुलिस लेस होने जा रही है नए कैमरे आने वाले हैं क्या उसमें जो रहेगा कि आरोपियों के फुटेज जो है वो पहचान उसमें हो सकेगी अगर हाल के दिनों में पुलिस के सामने अगर अपराधों के मामले में सबसे ज्यादा किसी चीज ने चुनौती पेश की है तो वह तकनीक है अपराधी तकनीक का व्यापक अवसर पर प्रयोग कर रहे हैं इसलिए पुलिस की चुनौतियां भी बढ़ रही है इनसे मुकाबला करने के लिए आवश्यक है कि पुलिस उससे दो कदम आगे तकनीक का इस्तेमाल करे ताकि वो दूसरी जो गतिविधियां हैं वो नियंत्रित रह सकें पुलिस ने इस कदम पर लगातार अपनी पैठ अपनी तकनीकी ज्ञान अपनी तकनीकी दक्षता बढ़ानी शुरू कर दी है मुख्य साइबर जो अगर हम देखें तो जो क्राइम ब्रांच है मुख्तार जो इंटेलिजेंस हमारा विंग है लगातार इन मुद्दों पे काम कर रहा है सर अपराधियों को पकड़ना कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होता है ऐसे में मेन पावर की जो कमी है उसका भी सामना करना पड़ रहा है तो इसे अब मेन पावर की पूरा करने के लिए आप इसे किस प्रकार से आप आगे प्लान तैयार करेंगे मैन पावर आने वाले दिनों में लगभग लगभग 600 के आसपास जवान शहर में आएंगे आने वाले एक सप्ताह के अंदर ये संभव हो सकेगा इसके बाद पुलिस की जो विजिबिलिटी है और बेहतर होगी अपराधों की जो पकड़ है उसमें पुलिस लगातार उस चीज़ को लेकर के प्रयासरत रहेगी उसमें बेहतर ढंग से काम करेगी और फाति साथ हम जानते हैं कि जो मानव संसाधन है वो उनका कोई विकल्प नहीं है न्यूनतम स्तर में वो अपेक्षित हैं और उसके आधार पर भी पुलिस अभी कुछ बल आने वाले दिनों में जो मिल रहे हैं उससे बेहतर होगी चूंकि अधिकारियों की संख्या बढ़ेगी तो मॉनिटरिंग लेकिन इस मॉनिटरिंग को अस्थाई उसको निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए अंतिम पायदा तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि ग्राउंड लेवल पर भी बहुत ज्यादा फोर्स हो और वो फोर्स आ रही है जिसके बाद पुलिस में गुणवत्ता की जो सुधार की जो गुंजाइश है और बेहतर होगी ये थे हमारे साथ में इंदौर कमिश्नर हरिन चारी मिश्र जी इनका कहना है कि अपराधियों से दो कदम आगे स्मार्ट होने की आवश्यकता पुलिस को है जिसकी तैयारियां इंदौर पुलिस ने पूरी कर ली हैं कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा न्यूज ट्वेंटी इंदौर